नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राकेश कुमार दिल्ली से आया हूँ। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुआ था एज ए डायरेक्टर प्रोफेसर, और अब आजकल अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज ए प्रोफेसर। और हम लोग यहाँ पे लाइफ सेवर्स एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और लाइफ सपोर्ट स्किल्स सिखाने के लिए। अब इस समय 6 लोगों की टीम है, जिनमें से हमारे साथ हैं डॉक्टर उन्नति, जो कि ESI हॉस्पिटल रोहिणी में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड एनेस्थीजियोलॉजी की हैं। डॉक्टर नीरा गुप्ता, जो कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर हैं और सीनियर स्पेशलिस्ट एनेस्थीजियोलॉजी की हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, जो कि अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर हेड ऑफ द क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है। और हमारे साथ डॉक्टर अविरल माथुर हैं, जो कि सीनियर रेजिडेंट एनेस्थीजियोलॉजी हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर, लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर। और जो हमारे 6th पार्टनर हैं जो इस समय सेशन ले रहे हैं, जो डॉक्टर मनिंदर सिंगला हैं और लुधियाना से आए हैं, और वो भी क्रिटिकल केयर और एनेस्थीजियोलॉजी और कार्डियक एनेस्थीजिया खासकर देखते हैं आजकल। और हमारा बेसिक एम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ सपोर्ट स्किल्स सीख सकें। जब कोई आदमी कलैप्स हो जाता है तो उसके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पैरामेडिक हों, चाहे वो ले पर्सन हों, वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो बचेगा या नहीं बचे। और जैसा कहा कि पिछले 20-21 सालों में हम 300,000 लोगों के साथ संपर्क में आए हैं और ये चीज़ हम लोगों ने उन लोगों में ट्रांसमिट कर पाए हैं। और इसी के चलते हम लोग यहाँ पे अमनदीप हॉस्पिटल में आए हैं, जहाँ पे कि डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर अमनदीप को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं और उनका जो एंथुजियाज़म है कि अच्छे से अच्छी चीज़ और लेटेस्ट चीज़ें सिखाई जा सकें, वो ये करते रहते हैं। ये जो हमारा कोर्स है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट गाइडलाइंस 2020 और उसका अपग्रेड जो 2023 में आया है उसके ऊपर बेस्ड है। और 24 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आज कर रहे हैं ये कोर्स, उनमें से कुछ एक इंस्ट्रक्टर्स भी बनेंगे। और उसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, कि हम लोग एडल्ट और इन्फेंट के अंदर ट्रेनिंग, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहे हैं, 6 स्टेशंस हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल थेरेपी के लिए जो AED मशीन है, जिसका कि यूज़ बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं आता, और इनके जो टाइमली यूज़ से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, उसकी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ देने आए हैं। थैंक यू।